गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम। बड़ी खबर आ रही है एनसीबी से, जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि इस खबर को जिन लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और उस नाम को सामने उजागर करने जा रहा हूँ जिसके यहाँ पर अभी एनसीबी द्वारा रेड चल रही है ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रिमाइसिस पर। ये बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये नाम अनजाना नहीं है आप लोगों के लिए, ये वही व्यक्ति है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में कई बार, इनफैक्ट मैं कहूँ तो सैकड़ों और लाखों बार कई लोगों ने लिया है। इम्तियाज़ खत्री के घर पर और ऑफिस प्रमाइसिस पर रेड की जा रही है, क्रूज का मामला है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों को ध्यान होगा, श्रुति मोदी के लॉयर अशोक सारोगी ने कई बार नाम लिया था इम्तियाज़ खत्री का, बताते हुए दिख रहे थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा सप्लायर है और बहुत बड़ा व्यक्ति है जो कि बॉलीवुड में अपनी पैठ रखता है। और उसी के चलते एक जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एनसीबी ने प्रिमाइसिस पर, जो कि रिलेटेड टू इम्तियाज़ खत्री का है, रेड की है। बड़ी खबर आ रही है, रेड अभी चल रही है। इस पर जो भी बड़ी खबर निकल कर आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। लेकिन फिर एक बार दोहरा दूँ कि मोमेंटम बन गया है, लेकिन ये शुरुआत क्रूज के उस मामले से सामने निकल कर आई है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस तक ये ज़रूर पहुंचेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। इस केस में जो भी अपडेट्स आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही।